नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्मड इन हिमाचल प्रदेश में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। अब क्वेश्चन चार ऑप्शन थी, तो उस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी 1977। 1977 में बनी थी हिमाचल प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार और इसके मुख्यमंत्री थे श्री शांता कुमार जी। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करने से पहले प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए थे तो उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट विलेज ऑफ बसपा वैली, बसपा घाटी का अंतिम गांव कौन सा है। क्वेश्चन चार ऑप्शन थी तो उसका सही आंसर था चितकुल। ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में स्किप हो गया था ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, तो इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर ले। और एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, सांभर वॉज द किंग ऑफ सांभर किसका राजा था। क्वेश्चन चार ऑप्शन थी तो उसका सही आंसर था ऑप्शन सी किरात, किरातों के राजा थे सांभर। ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में स्किप हो गए थे तो इन क्वेश्चंस को आप नोट कर ले। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसेंटली फाग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, हाल ही में फाग त्योहार कहाँ मनाया गया। और क्वेश्चन चार ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रामपुर। हाल ही में रामपुर में मनाया गया है फाग का फेस्टिवल। अच्छा, बात हुई है फाग फेस्टिवल की, तो फाग के फेस्टिवल के बारे में आपको पता होना चाहिए। फाग त्योहार जो है वो क्यों मनाया जाता है, तो फाग त्योहार मनाया जाता है वसंत ऋतु के आगमन पर। ये याद रखिए, बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है फाग का त्योहार और ये रामपुर में मुख्यतः रूप से मनाया जाता है। इतना बेसिक सा आप याद रखिए फाग फेस्टिवल के बारे में, क्योंकि हाल ही में ये फेस्टिवल मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंह डांस इज परफॉर्म्ड इन, सिंह नृत्य नाटिका किस क्षेत्र से संबंधित है। अब क्वेश्चन चार ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रोहडू। रोहडू से संबंधित है सिंह नाटिका। अच्छा, बात हुई है डांसेस की, तो कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। उजगजामा जो कि कुल्लू का फेमस डांस है, चौहारा जो कि महासू का फेमस डांस है, बुढ़ा, ढांगरा और करासा ये सिरमौर के फेमस डांसेज हैं, झांकी, झांझार और हंतार ये चंबा के फेमस डांसेज हैं, सिंह जुब्बल और रोहड़ू का फेमस डांस है और जापुरू किन्नौर का फेमस डांस है। तो ये डांसेज जो हैं कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इनके बारे में आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेनरी बोम्पो मोनेस्ट्री सिचुएटेड इन, मेनरी बोम्पो मठ कहाँ स्थित है। क्वेश्चन चार ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सोलन। डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है मेनरी बोम्पो मोनेस्ट्री। अच्छा, बात हुई है मोनेस्ट्रीज की, तो हिमाचल प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। की मोनेस्ट्री, तानग्युंड मोनेस्ट्री, तायुल मोनेस्ट्री जो कि भागा वैली में स्थित है, और सासुर मोनेस्ट्री ये लाहौल स्पीति की फेमस मोनेस्ट्री है। कन्नव मोनेस्ट्री डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है, दोर्जे ड्राक मोनेस्ट्री डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है, और बोन मोनेस्ट्री जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है, दोलांजी मोनेस्ट्री डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित। ये इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री हैं, तो इन इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज के बारे में आप याद रखिए, क्योंकि मोनेस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रतन ज्योत क्या है। क्वेश्चन चार ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अ हर्बल प्लांट। रतन ज्योत जो है वो एक हर्बल प्लांट है। अच्छा, बात हुई है हर्बल प्लांट की, तो एक हर्बल प्लांट और भी है जिसके बारे में मैंने बहुत पहले आपको बताया था, उसका क्या नाम है, उसका नाम है सिंगनी मिंगनी। ये नाम आप याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सिंगनी मिंगनी भी एक हर्बल प्लांट है और रतन ज्योत भी एक हर्बल प्लांट है। इन दो नामों को आप याद रखिए क्योंकि दोनों नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अच्छा, हर्बल प्लांट की बात हुई तो हिमाचल प्रदेश में जो है 4 हर्बल गार्डन है, वो कहाँ कहाँ पर स्थित है वो सभी आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी हर्बल गार्डन हिमाचल प्रदेश में स्थित है उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित है 4 हर्बल गार्डन, वो है डिस्ट्रिक्ट मंडी के जोगिंद्रनगर में, दूसरा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के नेरी में, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट शिमला के डुमरेडा में, और चौथा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के जंगल थलेरा में। इन 4 हर्बल गार्डन के बारे में आप याद रखिए क्योंकि हर्बल गार्डन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी सेवा आश्रम इन 1924 एस्टेब्लिश्ड इन, 1942 में गांधी सेवा आश्रम की स्थापना कहाँ हुई। अब क्वेश्चन चार ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रागपुर। प्रागपुर में हुई थी गांधी सेवा आश्रम की स्थापना 1942 में। अच्छा, प्रागपुर कहाँ पर स्थित है, तो प्रागपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। ये आप याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के प्रागपुर में 1942 ईस्वी में हुई थी गांधी सेवा आश्रम की स्थापना।
अच्छा, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था 1942 में? तो इसका उद्घाटन किया गया था डॉक्टर गोपीचंद भार्गव के द्वारा। और ये डॉक्टर गोपीचंद भार्गव कौन थे? डॉक्टर गोपीचंद भार्गव जो थे वो उस समय पंजाब के प्रमुख नेता थे। इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था गांधी सेवा आश्रम का। और 1942 की बात हुई है तो 1942 से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 1942 में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में दौरे पर आए थे। तो याद रखिए 1942 में जवाहरलाल नेहरू जो थे वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली के दौरे पर आए थे। और 1942 में ही पझौता किसान आंदोलन भी हुआ था। याद रखिए पझौता किसान आंदोलन 1942 में हुआ था। और कहां पर ये हुआ था? तो ये हुआ था डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखें 1942 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजा शमशेर प्रकाश ऑफ सिरमौर लेड द गार्डन इन द मेमोरी ऑफ। सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश ने किसकी स्मृति में बगीचा बनवाया? आपके पास चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रानी ऑफ क्योंथल। क्योंथल की रानी की स्मृति में सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा किला बनवाया गया था। अच्छा, सिरमौर क्योंथल की रानी का क्या नाम था जिसकी स्मृति में ये बगीचा बनवाया गया था, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो रानी का नाम था रानीताल बाग। इसका नाम आप याद रखिए, रानीताल बाग जो था इसका नाम था RANITAL, रानीताल बाग इसका नाम था। और एक क्योंथल की रानी थी। क्योंथल के जो राजा थे उनकी बेटी थी रानी रानीथल, और इनकी शादी हुई थी राजा शमशेर प्रकाश के साथ। अच्छा, बात हुई है सिरमौर की, तो सिरमौर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। सिरमौर का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। सिरमौर का एरिया है 2825 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% कवर करता है। राजा रसालू के द्वारा सिरमौर की स्थापना की गई थी। और सिरमौर के असल संस्थापक माना जाता है सुभंस प्रकाश को, जिन्होंने 1195 में राजवन को अपनी राजधानी बनाया था। महिमा लाइब्रेरी 1926 में राजा अमर प्रकाश के द्वारा बनवाई गई थी। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी राजवन से कलसी। सुमेर प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था रतेश को। सूर्य प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था कलसी को। राजा बुद्धि प्रकाश ने अपनी राजधानी राजपुरा को बनवाया था। और राजा वीर प्रकाश ने अपनी राजधानी हाटकोटी को बनवाया था। और हाटकोटी में उन्होंने रावीनगढ़ का किला भी बनवाया था। सिरमौर जो है वो राजा फिरोज शाह तुगलक के अधीन आ गई थी 1379 में। और उस समय सिरमौर के राजा थे राजा भगत प्रकाश। और सिरमौर के राजा मंधाता प्रकाश जो थे वो शाहजहां के समकालीन थे। औरंगजेब के द्वारा कलनखार और सरहानपुर के क्षेत्र जो थे वो सुभंग प्रकाश को भेंट किए गए थे। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सिरमौर विजिट किया गया था उस समय सिरमौर के राजा थे राजा मेदिनी प्रकाश। पीच वैली, क्यादून वैली, पनौटा वैली डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। सिरमुगुल देवता सिरमौर में पूजे जाते हैं। और सिरमौर को शिमला सुपरिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली कमीशन के अंडर किया गया था 1886 में। मोनेस्ट्री ऑफ पुरनेवाला सिरमौर में स्थित है। धांगरा प्रसिद्ध डांस है सिरमौर का। और हर फॉक सॉन्ग है सिरमौर का। लोहगढ़ किला, जातक किला सिरमौर के फेमस किले हैं। और राजेंद्र प्रकाश लास्ट राजा थे सिरमौर के। कादसान का युद्ध हुआ था गुलाम कादिर रोहिल्ला के बीच में और सिरमौर के राजा जगत प्रकाश के बीच में। छालरा और बालरा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश के बीच में और हिंडूर के राजा राम सिंह के बीच में। मेहता प्रेम सिंह जो थे वो प्रसिद्ध वजीर थे सिरमौर रियासत के। जातक किला 18वीं शताब्दी में सिरमौर में बनवाया गया था। शीश महल, मोती महल नाहन में 1900 शताब्दी में बनवाए गए थे। और ये किसके द्वारा बनवाए गए थे? ये बनवाए गए थे फतेह प्रकाश के द्वारा। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं सिरमौर रियासत से रिलेटेड, सभी क्वेश्चन आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वॉज द राजा ऑफ कुल्लू व्हेन राजेंद्र सेन ऑफ स्पीति इन्वेडेड द स्टेट। उस समय कुल्लू के राजा कौन थे जब स्पीति के राजेंद्र सेन ने आक्रमण किया था? बस चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रुद्रपाल। उस समय कुल्लू के राजा थे राजा रुद्रपाल। तो यहाँ से आप याद रखिए कि जिस समय स्पीति के राजेंद्र सेन ने कुल्लू के ऊपर आक्रमण किया था उस समय कुल्लू के राजा थे राजा रुद्रपाल। बात हुई है कुल्लू की, तो कुल्लू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का टोटल एरिया है 5503 स्क्वायर किलोमीटर। गायत्री मंदिर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। लालचंद पार्थी गैलरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। और कुल्लू देश की कहानी किताब लिखी गई थी लालचंद पार्थी जी के द्वारा। जलोरी दर्रा, हमटा दर्रा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। दुराची दर्रा जोड़ता है मंडी को कुल्लू से। सित्ती धार, श्रावण वैली, बसैलियो पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। त्रियुगी मंदिर, बछेश्वर महादेव मंदिर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। दियो टिब्बा वजीरी रूपी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। विशुद्ध पाल ने शिफ्ट की थी अपनी राजधानी जगतसुक से नगर। और कुल्लू के राजा कैलाश पाल के समय पाल टाइटल जो था वो अंतिम समय यूज किया गया था। कुल्लू के राजा प्रीतम सिंह जो थे वो संसार चंद कांगड़ा के राजा जो थे उनके समकालीन थे।
तिब्बतियंस के द्वारा कुल्लू पर अटैक किया गया था 1530 ईस्वी में। कुल्लू की प्राचीन सीट प्रयाग में होती थी। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चंस आप कुल्लू से रिलेटेड याद रखिए। और कुल्लू जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बलसन एंड रतेश आर ऑफशूट्स ऑफ, बलसन और रतेश किसकी शाखाएं थी? आपके पास चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सिरमौर। सिरमौर की शाखाएं थी बलसन और रतेश। अच्छा, बात हुई है बलसन और रतेश की, तो बलसन ठाकुराइन और रतेश ठाकुराइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। बलसन ठाकुराइन की जो स्थापना थी वो की गई थी अलक सिंह के द्वारा, और बलसन ठाकुराइन के जो अंतिम राणा थे उनका नाम था राणा रण बहादुर सिंह। इनका नाम आप याद रखिए, इनका नाम था राणा रण बहादुर सिंह। और राणा रण बहादुर सिंह के द्वारा एक किताब भी लिखी गई थी, उस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट। इस किताब का नाम भी आप याद रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो है वो बलसन ठकुराइन ठियोग तहसील का एक हिस्सा है, और नाम आया है रतेश ठकुराइन का, तो रतेश ठकुराइन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। रतेश ठकुराइन की स्थापना की गई थी राय सिंह के द्वारा, याद रखिए राय सिंह ने रतेश ठकुराइन की स्थापना की थी, और राजा सोमर प्रकाश ने रतेश को रियासत की राजधानी बनाया था। और रतेश ठकुराइन के अंतिम राजा कौन थे? तो रतेश ठकुराइन के अंतिम राजा थे ठाकुर शमशेर सिंह। इनका नाम आप याद रखिए, ठाकुर शमशेर सिंह। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक से आप याद रखिए, बलसन और रतेश ठकुराइन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन 1945 अ फेमस मीटिंग टुक प्लेस इन शिमला नोन एज, 1945 में निम्नलिखित में से कौन सी सभा शिमला में आयोजित हुई? क्वेश्चन चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस जो थी वो शिमला में आयोजित हुई थी 1945 में। और शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि शिमला कॉन्फ्रेंस थी क्या। तो 1945 में उस समय के वायसराय लॉर्ड वेवल के द्वारा एक शिमला में बैठक आयोजित की गई, जिसे शिमला कॉन्फ्रेंस कहा गया, और कांग्रेस की तरफ से इसमें भाग लिया गया था कांग्रेस के उस टाइम के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद की तरफ से, और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने भी भाग लिया था। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये परिणाम इसका परिणाम ये हुआ था कि ये असफल हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है वो भारत पाकिस्तान के बंटवारे का निर्णय लिया था। भारत पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री लाइन है, जिसे रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं, उसका निर्णय लिया गया था इसके परिणाम स्वरूप। अच्छा, रेड क्लिफ लाइन का जो रचना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रेड क्लिफ लाइन की रचना हुई थी प्रेजेंट टाइम के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिए रेड क्लिफ लाइन की रचना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में हुई थी। इतना बेसिक सा आप याद रखिए शिमला कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, क्योंकि कई बार शिमला कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ शिमला हिल्स व्हेन 1857 रिवोल्ट टुक प्लेस, 1857 के विद्रोह के समय शिमला के कमांडर इन चीफ कौन थे? आपके पास चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी जनरल अनसन। जनरल अनसन जो थे वो 1857 के विद्रोह के समय शिमला के कमांडर इन चीफ थे। अच्छा, बात हुई है शिमला की, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, उन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। शिमला का गठन जिले के रूप में हुआ था 1972 को। डिस्ट्रिक्ट शिमला का एरिया है 5131 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 9.22% कवर करता है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी थी 1966 में। संकट मोचन मंदिर, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है, वो बाबा नीम करूरी जी महाराज जी के द्वारा 1950 में बनाया गया था। छाबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। डुमरेरा हर्बल गार्डन डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। नंद सरोवर लेक, चंद्र नाहन लेक डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। शिमला जो था वो बर्मा, जो कि एक कंट्री है, उसका हेडक्वार्टर रह चुका है 1942 से 1943 के बीच में। गांधी मर्डर केस की सुनवाई 1948 में डिस्ट्रिक्ट शिमला के पीटरॉफ में हुई थी। और शिमला अलायंस बैंक की स्थापना 1874 में हुई थी। टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। घूमती प्रसिद्ध डांस है, परफॉर्म किया जाता है अखुंड के द्वारा। महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम शिमला आए थे 11 मई 1921 में। सेसिल होटल को फेलेस्टिस होटल के नाम से भी जाना जाता है। और शिमला म्युनिसिपलिटी की स्थापना हुई थी 1850 में। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए शिमला से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रह्म गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन, ब्रह्म गंगा विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कुल्लू। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है ब्रह्म गंगा परियोजना। अच्छा, बात हुई है ब्रह्म गंगा परियोजना की, तो ब्रह्म गंगा परियोजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है, और ये कितनी मेगावाट की? तो ये 5 मेगावाट की है। और ये कौन सी नदी के ऊपर बन रही है? तो ये बन रही है
पार्वती नदी के ऊपर। अच्छा, बात हुई है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अभी तक हम कर चुके हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। बुधिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और ये 70 मेगावाट का है। बेरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, ये रावी नदी के ऊपर बना है और ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। साई कोठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। देवी कोठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और 16 मेगावाट का है। हेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और ये 18 मेगावाट का है। रेसेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। पत्सरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और ये ब्यास नदी के ऊपर बना है और ये 16 मेगावाट का है। पोंग डैम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है और ये 396 मेगावाट का है। कॉल डैम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है और ये 800 मेगावाट का है। करछम बांगटू परियोजना डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और ये 1000 मेगावाट की है। तो इतने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्टों के बारे में आप याद रखिए क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑकलैंड हाउस इज लोकेटेड इन, ऑकलैंड हाउस कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एलिजियम हिल्स। एलिजियम हिल्स के ऊपर स्थित है ऑकलैंड हाउस। अच्छा, बात हुई है ऑकलैंड हाउस की, तो ऑकलैंड हाउस को जो है वो लॉन्ग वुड बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। लॉन्ग वुड बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का नाम आप याद रखिए, लॉन्ग वुड बिल्डिंग। अच्छा, बात हुई है हिल्स की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट हिल्स अभी तक हम कर चुके हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। एक तो हमने की थी कि लॉर्ड हनुमान जी की जो मूर्ति है वो कहाँ पर स्थित है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में, तो वो जाखू हिल्स के ऊपर स्थित है। दूसरा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर की रेखा की रचना की गई थी, वो कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है, तो ये ऑब्जर्वेटरी हिल्स के ऊपर स्थित है। और उसके बाद हमने पिछले कल एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कामना देवी मंदिर जो है वो कौन सी हिल्स के ऊपर स्थित है, तो कामना देवी मंदिर जो है वो प्रोस्पेक्टस हिल्स के ऊपर है। एक क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया वो है ऑकलैंड हाउस कौन सी हिल्स के ऊपर स्थित है, तो ऑकलैंड हाउस जो है वो एलिजियम हिल्स के ऊपर स्थित है। और एलिजियम हिल्स की मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो इनकी मैक्सिमम हाइट है 7400 फीट। इसकी हाइट भी आप याद रखिए, ये 7400 फीट इसकी हाइट है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए हिल्स से रिलेटेड जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला की पहाड़ियां हैं। अच्छा, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट सुकेत, सुकेत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आपको चार ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।